हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग। अभी आई होप आप सब अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी इतनी सुबह हो रही है ना, मतलब 8 बज रहे हैं, और जनरली यहाँ पे नोएडा में इतनी ठंड है कि मनाली हिमाचल तो मनाली नहीं, मनाली तो हिमाचल में ही है, हर जगह की ठंड फेल है। और मैं इतनी सुबह सुबह नहा के रेडी होकर के बैठी हुई थी, क्योंकि आज मेरी इंटर्नशिप का पहला दिन था, है पता नहीं, बट अभी मेरे टीचर का कॉल आता है कि 4th सेमेस्टर वालों को NOC नहीं मिलेगी। तो अगर NOC नहीं मिलेगी तो फिर मैं इंटर्नशिप कर नहीं सकती, क्योंकि फिर मेरी अटेंडेंस डाउन हो जाएगी। और प्राइवेट कॉलेज में अटेंडेंस डाउन होने का मतलब है ना कि पैसा ही पैसा। तो या तो फिर आज मेरे इंटर्नशिप का पहला दिन होगा, या आज मेरे कॉलेज का पहला दिन होगा। अब देखते हैं कि किसका पहला दिन है। ये जानने के लिए भी हमें आगे बना रहना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं रेडी होती हूँ, कॉलेज इंटर्नशिप पता नहीं किसके लिए रेडी होती हूँ, हो जाती हूँ। मैं अपनी औकात पे आ गई। वेलकम टू कॉलेज हो गया मेरा। ये देखो, इससे मिलो, ये छोटी सी। अभी अब मेरे व्लॉग्स में खाली मेरे क्लास वाले ही दिखेंगे, अनफॉर्चुनेटली ये मेरा दुर्भाग्य है। अब शारदा टूर कराती हूँ। अब जब शारदा में हूँ तो थोड़ा फ्लेक्स मारती हूँ, शारदा क्या है, शारदा क्या है, शारदा क्या है। सुबह से बैक टू बैक इतनी क्लासेस हुई और हमें लंच ब्रेक नहीं मिला। गाइस इससे मिलो, ये मुझे देख के भाग कैसे सकती है। जल्दी बोल परा, बोल बोल बोल, क्या बोलना है। स्क्रिप्ट नहीं दी तूने? ओ शिट, स्क्रिप्ट नहीं दी मैंने इन लोगों को, मुझे खुद भी नहीं पता क्या बोलना है। इसीलिए हम शारदा में हैं। ये पूरी बिल्डिंग ये मैंने मैंने खरीदी है, मैंने फीस दे के खरीदी है, बहुत फीस दी थी मैंने इसको, बस और कुछ नहीं। अभी देखते हैं क्या होता है। ओ इससे मिलो, ये हमारे जानने वाले रिश्तेदार ये सारे। अभी देखते हैं, अभी हमारी एक लेक्चर और बची है, फिर उसके बाद ख़त्म कॉलेज, फिर उसके बाद मुझे जल्दी से जाना है क्योंकि मुझे खाना खाना है। और आज मेरे हॉस्टल में पनीर होगा, मैं पनीर के पीछे इतनी पागल हो गई हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये कपल अब इनकी ज़िंदगी में कुछ भी प्राइवेट नहीं होने वाला, इसका प्रूफ मैं हूँ और मेरा ब्लॉग है। हाँ और बताओ, किसको तुम्हारी नज़रें ढूंढती हैं? बता दे रही है, बता दे, खुले आम बताओ ना, खुले आम अपने प्यार का इजहार कर। इंटरेस्ट ही नहीं लेते ये लोग, कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा कॉलेज का आज का दिन खत्म होता है, कुछ खास पढ़ने को था नहीं, एक ही टीचर ने हमारी दो दो क्लासेस ले ली बस। और हम अभी लिफ्ट का चक्कर काट रहे हैं, पता नहीं हमें लिफ्ट कब मिलेगी। बहुत एक टीचर को ढूंढ रहे, वो मिल नहीं रही है क्योंकि वही मेरे NOC को देखेंगे, उन्हीं की वजह से मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। गाइस ये वही पिंक बाल वाली ठीक है, जो तुम समझ लो वही। और लिफ्ट आ गई लिफ्ट बंद हो रही है। इनसे मिलिए, ये है फलक डाकू। अब हम 8th फ्लोर पे आ रहे हैं, यहाँ बहुत हरियाली रहती है। अभी देखो खुलते ही लोग दिखेंगे। खुल ओ ठीक है, बाद में। मेरा कॉलेज खत्म हो गया और अब मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल, थोड़ा सा कॉलेज भ्रमण करवा देती हूँ, दिखाती हूँ मैं कॉलेज कैसा है। गाइज आई गॉट माई लंच फ्रॉम हॉस्टल। हमारे हॉस्टल वाले हमें लंच देते हैं, और आज खाने में दाल मखनी, चावल, रायता और पालक पनीर है। जा रही हूँ खाने के लिए, इसी की वजह से तो मैं इतनी जल्दी निकली हूँ। और ये शारदा के बाहर वाला सीन है। ख़त्म हो गया मेरा आज, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। वैसे मेरे हॉस्टल की वैन भी आती है, पर मुझे आज पैदल जाने का मन कर रहा था तो मैंने अपनी वैन मिस कर दी खाना खाने की वजह से, और अब मैं पैदल पैदल जा रही हूँ। देखते हैं कितनी देर में पहुंच जाती हूँ।
और ये रास्ता भी थोड़ा मतलब इंगेज्ड रास्ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे जीएल बाजार, साइड में शारदा। टू माई हॉस्टल एंड अबाउट इन अ मिनट आई रीच देयर एंड द मोमेंट आई रीच देयर आई स्टॉप फिल्मिंग द वीडियो। आई हैव मेनी थिंग्स टू डू टुडे। ओह इंग्लिश छोड़ो, कॉलेज में कम पढ़ती हूँ क्या? हाँ, मेरे पास बहुत कुछ आज करने को, बहुत सारा काम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाऊँगी। अपना पूरा रूम ठीक करना है मुझे, और फिर मुझे सोना है, और फिर मुझे बहुत सारा काम भी करना है। तो आज का दिन कुछ मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत आसान दिन था आज का। लाइक कुछ करना ही नहीं पड़ा ज़्यादा, इतने सारे लोग आते रहते ना। लोकेलिटी मेरे हॉस्टल की काफ़ी अच्छी है, हॉस्टल भी मेरा काफ़ी अच्छा है। समडे आई विल गिव यू माय हॉस्टल टूर। सो मैंने सोचा था कि आई विल मेक द फुल डे व्लॉग, बट ठीक है, आई हैव मेनी थिंग्स टू डू आफ्टर माय कॉलेज आवर्स। आई हैव टू फिगर आउट दोज थिंग्स फर्स्ट। तो तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं और मिलते हैं कल के दिन में। नहीं, कल सैटरडे है, सो आई गेस आई विल नॉट हैव माय कॉलेज। एंड इंटर्नशिप का भी कुछ फिक्स हुआ नहीं है, वेदर दे विल प्रोवाइड मी एनओसी और नॉट, देखते हैं जो भी होता है। चलो गाइस, हैव अ गुड डे, मस्त दिन, इन्जॉय करो। अगर जिंदगी जी रहे हो तो जियो भाई, हमसे तो ठीक ही जियो बस। और कुछ खास नहीं है, खाओ पियो, ऐश करो, और मुझे देखो। ओके, बाय बाय।